अमृतपाल सिंह दे मामले दे विच अज हाई कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों एडवोकेट जनरल पेश होए ने जिन्हां दे वल्लों जवाब दिंदिया कहा गया कि अमृतपाल सिंह गिरफ्तार नहीं किया गया, हले तक वो पुलिस की गिरफ्त तो बाहर ही चल रहा है, वह फरार चल रहा है। पर उन्होंने पर उत दस दिए कि अमृतपाल सिंह के वकील का कहना है कि एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट के विच किया है कि उसकी असी उसनों फड़न के काफ़ी नज़दीक हाँ तो उसनों जल्द ही गिरफ़्तार कर लेंगे। तो उत्थे ये दस दिए कि अमृतपाल सिंह के वकील का कहना सीगा कि अमृतपाल सिंह पुलिस की कस्टडी दे विच है, जिस तो बाद अदालत ने किया, जिस तो बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वलों कहा गया कि तुसी सबूत दिओ कि अमृतपाल सिंह कित्थे है या हिरासत दे विच है, किस थाने दे विच है, तुसी इस चीज़ का सबूत दिओ, असी अगली कार्रवाई जी इस मामले के उपर करांगे। उत्थे ही दस दिए कि हाईकोर्ट के वलों हुण अगली सुनवाई की तारीख जी 29 मार्च की रखी गई है। उत्थे ही दस दिए कि बीते हुण आने वाले कल दे विच इस मामले ते सुनवाई होवेगी। उत्थे ही दस दिए कि हाईकोर्ट दे विच अमृतपाल सिंह दे वकील दा कहना सीगा कि अमृतपाल सिंह पुलिस दी हिरासत दे विच आ। उत्थे ही एडवोकेट जनरल दा कहना है कि अमृतपाल सिंह नूं गिरफ़्तार नहीं किया गया, हले तक फरार चल रहा है। जिस तों बाद अमृतपाल सिंह दे वकील दा कहना है कि हाईकोर्ट दे विच एडवोकेट जनरल ने किया कि असी उसनूं फड़न दे नज़दीक हाँ, असी उसनूं जल्द ही गिरफ़्तार कर लेंगे। तुसीं वी सुनो अमृतपाल सिंह दे वकील दा इस संबंधी की कहना है। नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूं कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई और कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मलाइन कर दो, इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे का नाम ले रहे हैं आप, नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है नेपाल से वो पाकिस्तान खा लेंगे, किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समय तो पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम है, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं, अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ लाइक कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तनु बेदी मैम है, जो एमिकस क्यूरी है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट, कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर हमें दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है, किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है, सरकार क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है भी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें, जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं चाहे असम में है, NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब से जथेबंदी करेगी, वारिस पंजाब की लीगल टीम वहां पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहां जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहां पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी
और नहीं कोई, और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200-250 नौजवानों को पंजाब में कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार ने काफी शायद मेरी जितना मैंने न्यूज में देखा था, न्यूज मीडिया में देखा था, कुछ को रिलीज कर दिया है और अभी तक काफी अंदर हैं, काफी के जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके मुझे फोन आ रहे हैं, किसी को 353 में झूठे केस में फंसा दिया, किसी और झूठे केस में उनमें डाला जा रहा है, 157 की उनकी बेलें रिजेक्ट कर दी जो होना नहीं चाहिए था, तो उन सभी की जो लीगल प्रोसीडिंग की पैरवी है वो वारिस पंजाब दे करेगी। तो तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो कहा जा रहा है कि अमृतपाल यूपी में देखे गए हैं, इसी तरह नेपाल में है, तो आपका क्या मानना है? नहीं देखो जी, आजकल टेक्नोलॉजी जो AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, किसी भी चीज को आज हम जो एक फेक फोटोग्राफ्स, फेक वीडियोस बन सकती हैं, जो वर्ल्ड के दूसरों देशों के प्रेसिडेंट हैं, उन अमेरिका वर्गे देशों की, उनकी जो फेक जो फोटोज बन सकती हैं, तो ये तो जो कोई मर्जी कर सकता है। जो हमारा स्टैंड पिटिशन वाला है, हेबियस कॉर्पस वाला, अगर पुलिस के पास इतनी सारी जानकारी है तो जो देश की एजेंसियां लगी हैं, पंजाब की एजेंसियां, तो फिर पकड़ा अभी तक उनके हाथ क्यों नहीं कुछ लगा? तो हमें इसमें कुछ फिशी लग रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है भाई अमृतपाल सिंह की इमेज को खराब करने के लिए, जो साथी थे उनकी इमेज को खराब करने के लिए, तो कुछ मीडिया चैनल्स भी इनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं। सर, जिस तरीके से ये सारी वीडियोस या फोटोग्राफ सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ एक प्लानिंग के हिसाब से ही रिलीज किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग ये सारा अपनी मनमर्जी से सारा कुछ किया जा रहा है? देखो ये हम पूरा मुझे इस चीज की एप्रीहेंशन पूरी है भी, ये जो कर रहे हैं एक प्लानिंग के तहत एक प्रोपेगेंडा। देखो काफी एक जो पंजाब में पुलिस ऑफिसर हो और उनको ये ना पता हो भी शेरे पंजाब महाराज रंजीत सिंह का झंडा किस तरह का था, जो मिसलों का झंडा किस तरह का था, तो ये सारा प्रोपेगेंडा उनको इतना नहीं पता पंजाब में IPS हैं, और ये नहीं पता भी 1849 से पहले पंजाब का नक्शा क्या था, उसी नक्शे को ये कुछ और पेश कर रहे हैं, झंडे को कुछ और पेश कर रहे हैं। तो ये जो IPS ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं, ये किसे सरकार के एजेंडा तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक 10वीं के बच्चे को भी पता होता जो पंजाब में रहता है भी पंजाब का झंडा कैसा था पहले सिख राज का, और जो बाकी जो सिख राज का नक्शा कैसा था, उस नक्शे में देखिए एक साइड पे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है, दूसरी साइड पे तो दूसरे मुल्कों का नाम लिखा है, तो एक जो प्रोपेगेंडा के तहत जो सिख कौम को मैं कहूंगा जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। भाई साहब AG ने अंदर ये बोला है कि हम अमृतपाल को पकड़ने के बहुत नजदीक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, उन्होंने जो कोर्ट में ये बोला है AG साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, इतने लोग खड़े थे वहां पर भी हम जो नजदीक है, ये जो सरकार की उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिली है, AG साहब ने कहा भी जैसे ही मुझको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली हम काफी नजदीक हैं। अच्छा।